What's up guys, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में बात करते हैं फोल्डेबल फोन्स। तो पहले तो फोल्डेबल फोन्स अराउंड 5-6 ईयर्स से चल रहा था ये बात कि कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर जल्दी से फोल्डेबल फोन्स लाएगा, वो भी प्रोडक्शन में। एक्चुअली फोल्डेबल फोन्स तो अराउंड 5-6 या 7-8 ईयर्स से चल रहा है, मतलब कि प्रोटोटाइप्स दिखा रहे कि ऐसा वाला फोल्डिंग आता है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस तो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक फुल फ्लेज्ड, मतलब कि हम यूज़ करने वाला एक फोल्डेबल फ़ोन तो अभी तक कोई कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके मास प्रोडक्शन में नहीं लाया है। तो वहीं आई थिंक सबसे पहले करने जा रहा है अभी सैमसंग। तो रिसेंटली जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो होता है लास वेगास में, वहाँ पर ढेर सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं जो कोई भी कंपनीज हो अपने लेटेस्ट इनोवेशंस, जो इन्वेंशंस भी रहते हैं, कितने सारे पेटेंट्स लगाकर वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। एंड एज ए बायर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनसे डील भी कर सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसा एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है लास वेगास जो कि अमेरिका में है। तो वहाँ पर सैमसंग ने भी अभी हाल ही में दिखाया था कि फोल्डेबल फोन्स इज़ द फ्यूचर, मतलब कि अभी 2019 में शायद सेकेंड क्वार्टर में वो मास प्रोडक्शन में जल्द ही लाएंगे। तो उससे पहले खबर ये भी है कि लिमिटेड एडिशन वाला फोल्डेबल फ़ोन अभी जो सैमसंग ने रिलीज़ यानी कि जो दिखाया है कि ऑलरेडी मास प्रोडक्शन में हो रहा है करके, तो वो वाला फ़ोन एक लिमिटेड एडिशन के तौर पर छोड़ेंगे, मतलब कि ओनली अवेलेबल इन फ्यू कंट्रीज़ इन फ्यू मार्केट्स आप कह सकते हैं। इंडिया में आता है नहीं पता नहीं ये तो, बट स्टिल देखिए एट द एंड ऑफ द 2019 अदरवाइज 2020 में ढेर सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ज़रूर मास प्रोडक्शन में आएंगे। मतलब कि अभी पहले तो एक इतना बड़ा अगर डिस्प्ले फ़ोन है तो वहीं बड़ा था, नेक्स्ट हो रहा है कि इन्फिनिटी डिस्प्ले आ गया, मतलब कि वेरी थिन बेजल्स और सिर्फ स्क्रीन रियल एस्टेट, मतलब फुल स्क्रीन आपको एंजॉय करने के मिलेगा। तो उसके बाद में अभी जो आ रहा है टेयर ड्रॉप नॉच, मतलब कि सिर्फ कैमरा के लिए नॉच, अभी वो नॉच भी चला गया, इन स्क्रीन कैमरा आ रहा है और फुल आपको डिस्प्ले सामने के हिसाब से हम देखें तो फुल डिस्प्ले ही रहेगा, आपको कुछ भी नहीं। तो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ईयर बाय ईयर जो रिलीज़ करते हैं, वैसे ही अभी शायद 2020 में फुल फोल्डेबल्स एंड फ्लेक्सिबल फ़ोन्स आने वाले हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ऐसे ही अभी चाइना में शायद लॉन्च करेंगे सैमसंग, चाइना हो या कोरिया हो, वहाँ पर अराउंड 1200 to 1400 डॉलर्स, मतलब कि अराउंड 1 lakh to 1 lakh 20,000 रुपीज़ में वो फ़ोन्स लॉन्च करेंगे। लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगा, कुछ लोग ही उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह था कि 7.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है आपको जब आप उस फ़ोन को ओपन करेंगे, तो ऐसे बेसिकली इससे डबल थिक होगा। यह है नोट 9, तो नोट 9 का आई थिंक डबल होगा, एक नोट 9 के ऊपर और एक नोट 9 रखेंगे तो कितना थिकनेस आता है उतना थिकनेस होगा। तो सामने कवर स्क्रीन करके है, तो ऐसे इन्फिनिटी डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आई थिंक अराउंड 4.5 to 5 इंच तक रखेंगे सामने कवर डिस्प्ले। जो हम फ्लिप कवर रखते हैं ना, तो सामने इतना स्क्रीन रियल एस्टेट बचता है, तो वैसे वाला डिस्प्ले रखेंगे। ऑफ कोर्स फुल फ्लेज्ड डिस्प्ले मोबाइल ही तो रहेगा वहाँ पर, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। एंड अगर उसको आप निकालेंगे ऐसे ओपन करेंगे बुक जैसा, तो फोल्डेबल फ़ोन तो फुल स्क्रीन रियल एस्टेट मिलेगा, मतलब कि इसके पीछे जो आता है वहाँ पर भी स्क्रीन रहेगा एंड यहाँ पर इसके ऊपर जो रहता है वो भी स्क्रीन, ये दोनों मिलाकर फुल एक सीमलेस डिस्प्ले, मतलब कि आपको फोल्ड ही पता नहीं चलेगा कि फोल्ड से आप ओपन किए करके। तो 7.3 इंच का तो वहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले मिलेगा एंड अलॉन्ग विद दैट कंटिन्यूटी। अभी आप कवर फ़ोन पर जस्ट ऐसे पकड़ के कुछ ब्राउज कर रहे हैं, अगर आप ऐसे फोल्ड का निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर वही ऐप कंटिन्यू करके आपको मिलेगा, तो पढ़ने में हो या फिर कुछ मीडिया कंटेंट देखने में हो बहुत ही आसान कर देगा। तो ऐसा एक इनोवेटिव चेंजेस ला रहा है सैमसंग। आई थिंक अभी सैमसंग ने अनाउंस भी कर दिया है कि ऐसे फोल्डेबल फ़ोन्स लिमिटेड एडिशन अवेलेबिलिटी पर हम लाएंगे इस क्वार्टर 1 2019 में ही। तो सारे के सारे अदर कंपनीज जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर करना अभी स्टार्ट कर देंगे, तो वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा कब, 2020 में। तो फोल्डेबल फ़ोन्स 2020 में वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए अभी तैयारी चल रहा है मास प्रोडक्शन करके, कैसे कस्टमर्स का फीडबैक आता है उसके आधार पर क्या क्या चेंजेस करके हमको एक्चुअल में लॉन्च करना है, ये वाला सब चीज़ वो स्टडी करेंगे। तो एक जस्ट न्यूज़ बताना चाहता था कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में फोल्डेबल फ़ोन्स जो है स्मार्टफोन वो एक्चुअल में मास प्रोडक्शन में अभी जा रहा है एंड जल्द ही हम इसको पकड़ पाएंगे। तो ऐसे अगर न्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फोल्डेबल फ़ोन्स इज़ द फ्यूचर, आई थिंक 2020 में फुल फ्लेज्ड लॉन्च करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।